यूपी के पीलीभीत में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दहशत फैली है, जहां संदिग्ध हालात में 6 मुर्गियां मृत मिली हैं। साथ ही मुर्गियों को खाने वाले 2 कुत्तों की भी मौत हो गई। इससे क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। जिले के पूरनपुर में शेरपुर में बीते दिन 6 मुर्गियां मृत मिली थी, वहीं कुछ दूरी पर 2 कुत्ते भी मृत मिले। लोगों का कहना है कि इन कुत्तों ने मृत मुर्गियों को खाया था, जिसके बाद इनकी भी मौत हो गई। मुर्गियों और कुत्तों की मौत की खबर से पूरे जिले में खलबली मची हुई है। इससे क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। सर, मौके पर आए, आपने क्या पाया यहाँ पर? मौके पर आए तो यहाँ पे जो यहाँ पे जमीन मालिक है, उन्होंने बताया कि 6 तारीख से लगभग 20 मुर्गी अचानक मर गई हैं, जिसमें 2 बतख भी हैं। उन मुर्गियों को खाने से 2 कुत्ते भी मरे हैं। प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि पॉइजनस केस है, क्योंकि और बतख हमारी अभी जिंदा है। हम मरी हुई मुर्गी के सैंपल लेके जा रहे हैं, जिसको आरएवाई भेजेंगे, वहाँ से इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी। जो मेरे प्लाट के ऊपर जो है, वो कुछ मैंने देसी मुर्गे, कड़कनाथ और जो लड़ने वाले थे, इसको पाल रखा था। तो इसमें 2-3 दिन पहले जो था, 2 मुर्गे ख़त्म हुए कड़कनाथ। तो उसमें हम लोग समझे थे ठंड उंड से ख़त्म हो गए। वो 2 मुर्गे जो ख़त्म हुए थे, उसको रोड साइड में कटवा दिए। तो यहाँ प्लाट के ऊपर जो है, वो कुत्ते भी पले हुए थे, कुत्ते के बच्चों ने उसको खा लिया। तो वो 7-8 बच्चे भी कुत्ते के ख़त्म हो गए। तो मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि हो सकता है कि जो आजकल बीमारी चल रही है ना, बर्ड फ्लू वाली, कि वो हो सकती है। क्योंकि 2 मुर्गे के बाद में मेरे पास 15-20 मुर्गे जो थे, वो एक एक दो दो करके ख़त्म हो गए। और 4 बत्तखें मेरे पास थी, जो हंस नस्ल की थी, उसमें से भी 2 बत्तखें, एक बत्तख ख़त्म हो गई और एक अभी फड़फड़ा रही है, इसमें फोटो दे सकते हो, पूछ रही है। तो ये है कि आपने डॉक्टर को? हाँ, मैंने इनकी दवाई भी मंगा के खिलाई, लेकिन उससे भी कोई अभी असर नहीं हुआ था। पानी में डालने के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई मंगाई थी, उसको खिलाया था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।